कल 18 मिनट के करीब मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित किया और जब घोषणा हुई तो बहुत सारे लोगों के मन में आशा जगी, हमारे राज्य सरकारों के मन में आशा जगी और जो पीड़ित हैं और खास तौर के ऊपर ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे हैं, दवाइयों के लिए लड़ रहे हैं और हॉस्पिटल्स के आगे लाइन लगा करके खड़े हुए हैं या जो टेस्टिंग कराने के लिए जो वेट कर रहे हैं, सभी के सभी लोगों को ये लगा कि कुछ शायद उनके लिए कुछ प्रधानमंत्री घोषणा करेंगे, लेकिन वही ढाक के तीन पात खोखली बातें, कुछ भी नहीं उसके अंदर से निकला। ऐसा लगता है ये सारी की सारी घटनाक्रम को देख करके कुछ चार पांच चीजें शुरू में मैं कहना चाहता हूं कि वैक्सीन लीडर जो इंडिया था, वैक्सीन लीडर हैज बीन रिड्यूस्ड टू वैक्सीन बेगर। मोदी जी ने एक मजबूत देश को मजबूर देश बना दिया। रादर देन टेस्टिंग कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, गवर्नमेंट इज टेस्टिंग द पीपल्स पेशेंट्स। कोरोना के पॉजिटिव टेस्ट तो लोगों के पेशेंट्स के हो ही नहीं रहे, लेकिन लोगों की सब्र का इम्तिहान ये सरकार ले रही है। मोदी जी की सरकार के लिए लोगों की जान से कीमती मुनाफा है और मुनाफा चाहे वो वैक्सीन की कंपनीज को देना चाहते हैं, चाहे वो दूसरे और लोगों को देना चाहते हैं, उसकी भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। देश के लोगों के लिए कोई रहमदिली नहीं और अपने खास लोगों के लिए पूरी दरिया दिली है मोदी जी के मन में, ऐसा जान पड़ता है। मोदी जी वोट के लिए जनता से तो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और जब मतलब निकल जाता है तो पल्ला झाड़ लेते हैं। यह पूरे के पूरे इस घटनाक्रम का, पूरा उनकी उनके अभिभाषण का और जो हालात अभी देश के चल रहे हैं उसका पूरा का पूरा यह हम लोग इसके बारे में ऐसा कहना चाहते हैं। और कल तो केवल खोखली बयानबाजी थी। राज्य सरकारें कुछ कर लें, कुछ निजी कंपनियां कर लें, कुछ बाल मित्र कर लें, कुछ एनजीओ कर लें और मोदी जी केवल भाषण करें, यही कल पूरी की पूरी इनके 18 मिनट के भाषण का केवल एक यही लबो लबाब निकलता है। पूरी तरीके से दिशाहीन भाषण था, बिना हमदर्दी किसी गरीब के लिए, किसी पीड़ित के लिए कहीं पर भी नजर नहीं आता है।